दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी ट्रेन में जनरल डिब्बे को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। दो तीन तरीके आपको बताऊंगा जिसके कारण आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा डब्बा जनरल का है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी ट्रेन में जनरल डिब्बे के दरवाजे के ठीक बगल में ऊपर दो एक समान लाइन होती है। जिस भी डिब्बे पर यह लाइन है तो आप समझ लीजिए कि यह जनरल का डिब्बा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जनरल डिब्बे को अक्सर जैसे मान लीजिए स्लीपर को S1 S2, S3 करके रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे जनरल डिब्बे को D1, D2, D3, D4 करके इंडिकेट किया जाता है। साथ ही साथ ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे पर कुछ बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर में आपको बताना चाहता हूँ 02425, तो इसमें पीछे के तीन नंबर अगर 400 से लेकर 600 के बीच में है तो इसका मतलब ये जनरल डब्बा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ट्रेन में जनरल का जो डब्बा है वो एकदम आगे आगे और पीछे पीछे लगा होता है, तो इसके कारण भी आप समझ सकते हो कि ये जनरल का डब्बा है। और साथ ही साथ जनरल के डिब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो भीड़ देख कर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनरल का डब्बा है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।